हाउ टू इनेबल ट्रू कॉलर एज अ फुल स्क्रीन आईडी। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा ट्रू कॉलर को आप फुल स्क्रीन में किस तरह से कर सकते हैं। जब हमें कोई कॉल आती है तो वहां पर हमारे सामने जो है फुल स्क्रीन में ट्रू कॉलर शो नहीं करवाता इन्फॉर्मेशन। जो भी व्यक्ति का कॉल आया है उसका सिर्फ नाम ऊपर की तरफ नोटिफिकेशन पैनल में शो होता है, फुल स्क्रीन में वो नहीं शो होता, या फिर किसी किसी फ़ोन में सिर्फ बीच में यहाँ पर शो होता है, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब बीच में आता है जिसने भी कॉल किया है, फुल स्क्रीन में उसका ना तो नाम आता है ना उसकी फ़ोटो वगैरह आती है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स करें या फिर फुल स्क्रीन कैसे करें इस वीडियो में आपको बताता हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी ईजी है। इसके लिए आपको करना बस यही है, ट्रू कॉलर को ओपन कर लीजिएगा। ट्रू कॉलर को ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से आ जाता है। उसके बाद आपको इस थ्री लाइन पर क्लिक करना है। थ्री लाइन पर आने के बाद यहाँ पर हमारे सामने सेटिंग का ऑप्शन खुल जाता है। बेसिकली सेटिंग के ऑप्शन पर हम आ जाते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर कॉलर आईडी का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इसके ऊपर प्रेस कर दीजिएगा। कॉलर आईडी के ऊपर आएंगे, यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन करने का जो स्टाइल है वो दिख जाता है। आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेट इस तरह से रहता है क्लासिक पॉपअप के ऊपर। यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन पर दबा देना है, इसके ऊपर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपसे परमिशन ली जाएगी, अगर आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे डिफ़ॉल्ट में सेट करें। यहाँ पर सेट एज अ डिफ़ॉल्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। सेट एज अ डिफ़ॉल्ट हमने कर दिया है। यहाँ पर ट्रू कॉलर हमें जो है डिफ़ॉल्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर जो ट्रू कॉलर का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करें और सेट एज अ डिफ़ॉल्ट के ऑप्शन बटन पर दबा दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपका ट्रू कॉलर जो है डिफ़ॉल्ट में सेट हो जाएगा और कॉलर आईडी जो है आपकी इस तरीके से सेव हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।